नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा, शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। खबर रीवा से है, जहां करहिया मंडी में स्वावित्तीय योजना के तहत दुकानों का निर्माण कराया जाना था, जिसका ठेका तत्कालीन रीवा जनपद अध्यक्ष और वर्तमान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की कंपनी देवी कंस्ट्रक्शन को ठेका मिला था। दुकानदारों के द्वारा पैसा जमा करा दिया गया, लेकिन विधायक बनते ही ठेकेदार ने काम को कछुआ गति कर दिया। चर्चा तो यह भी है कि व्यापारियों का पैसा दूसरे कार्यों में लगा दिया गया है। अब राजनीतिक दबाव के चलते व्यापारियों को दुकान भी नहीं दी जा रही है। पुरानी सब्जी मंडी के जिन व्यापारियों ने अपनी गाढ़ी कमाई ठेकेदार के पास जमा कर दी, वो आज भी पुरानी मंडी में कारोबार करने को मजबूर हैं और कुछ किराए की दुकान लेकर करहिया सब्जी मंडी में अपना व्यापार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, गुरु पीली वस्तुओं का कारक है, इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है। तो इंतजार कैसा, आइए समदड़िया आभूषण। हाँ, तो यह है कि 2 वर्ष में दुकान देने का वादा किया, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी दुकानें नहीं मिली। मामला मीडिया ने उठाया तो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला कलेक्टर को लेकर जून माह में मंडी पहुंचे और वादा किया कि जुलाई माह में सभी को दुकानें दे दी जाएंगी, लेकिन वादा था कैसे पूरा होता। 3 महीना बीत गए, लेकिन दुकानदारों को दुकानें नहीं मिली। प्रगति यह हुई कि ठेकेदार सेटरिंग निकाल कर किनारे रख दिया और कार्य प्रगति पर दिखाकर जिन अन्य दुकानदारों का पैसा बकाया था उनसे भी जमा करवा लिया। सीधी सी बात है कि सत्ता पक्ष के विधायक पूर्व मंत्री के चहेते के खिलाफ कौन से अधिकारी ऊंची आवाज में बात कर सकता है। विधायक अपनी मनमानी करते हुए दुकानदारों के पैसों का उपयोग कर रहे हैं। वहीं आज पूंजी लगाने के बाद भी कई खरीदार पुरानी सब्जी मंडी में अपना व्यवसाय करने के लिए मजबूर हैं। जून माह में भ्रमण के दौरान कलेक्टर और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने वादा किया था कि जुलाई माह में दुकानें मिल जाएंगी। जब हमारी टीम ने वादे की सत्यता को जानने के लिए पहुंची, तो जानकारी हुई कि अब दिसंबर में दुकान देने का वादा किया गया है, लेकिन जिस तरह से 5 साल बीतने को हैं, दुकानें आज भी नहीं बन पाई, उससे नहीं लगता कि इस पंचवर्षीय में व्यापारियों को दुकानें मिल पाएंगी। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व व्यापारी संघ के अध्यक्ष और मंडी सचिव का एक बार फिर किस तरह से गोलमाल जवाब देते हुए अपने आप को बचा रहे हैं। हालांकि पैसा अध्यक्ष और सचिव का नहीं, बल्कि उन दुकानदारों का लगा है जो गाढ़ी कमाई जोड़ जोड़ कर रखे थे और खुद की दुकान होने की आशा के चलते पैसा विधायक की कंपनी में जमा किया है। सबसे ज्यादा कष्ट उन्हें है, लेकिन व्यापारियों ने जिन्हें अध्यक्ष बनाया था और बनाया है, वह भी सत्ता पक्ष से साठगांठ कर कार्य शीघ्र पूरा होने का वादा करते हैं। ये क्या है कि जो दुकानदार है, जिन्होंने स्वावित्तीय योजना के अंतर्गत लिया था दुकानों को, वो पैसा अभी भी काफ़ी बाकी है, करीब 3 करोड़ के आसपास, और पैसा नहीं दे रहे हैं, नहीं जमा कर रहे हैं। इसलिए वैसे लगभग 95% पूर्ण की ओर है और एक आध महीने के अंदर पूरी दुकानें बनके कंप्लीट हो जाएंगी। पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, ये जिन लोगों ने लिया था स्वावित्तीय योजना के अंतर्गत, उसमें से करीब 60% लोग अभी भी पैसा रोके हुए हैं, पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। पैसा जमा हो जाए, नोटिस करेंगे? हाँ, नोटिस, कई नोटिस, अंतिम नोटिस भी दी जा चुकी है, अंतिम अवसर दिया जा चुका है जमा करने के लिए। जैसे ही पैसा जमा हो जाता है, वैसे ही इनके रजिस्ट्री करा के अलाटमेंट कर दिया जाएगा। दुकानें लगभग पूर्ण की ओर है, 2-4-5% के लगभग काम बचा हुआ। क्या नाम है आपका? विष्णु शुक्ला, मंडी सब्जी मंडी प्रभारी हूँ। ये मंडी सचिव जी ने आज बताया कि 95% जमा हो गया है, 5% बकाया है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उनका भी कहना ठीक है। करीब करीब जो हालात आप जैसे अभी आपने देखा मंडी का, 90-95% साइट संपूर्ण दुकानें हो गई हैं। और रहा सवाल जो रजिस्ट्री और सबके वो नाम होने का, वो हमको लगता है कि 50-60 सीटें करीब करीब दुकानें रजिस्ट्री भी हो गई हैं। 50% नहीं, 50% नहीं, कुल 50-60 जहाँ तक मेरे जानकारी। हो सकता है कि अभी कुछ लोगों ने करा लिया हो नई रजिस्ट्री, बाकी 50-60 जैसे हम लोगों ने तो अपना कभी 2-1 महीने पहले करा लिया था। काम कितना बकाया? काम आपने देख लिया, काम उनके कहने के अनुसार हमको लगता है अभी फिनिशिंग में समय लगेगा, क्योंकि इसके पहले पूर्व मंत्री जी आए थे, उन्होंने समय दिया था, कलेक्टर साहब भी थे, उनका दिसंबर के शायद इन्होंने आश्वासन दिया था मंडी बोर्ड ने कि हम दिसंबर के लास्ट में संपूर्ण दुकानें कर देंगे। कुल मिला के करीब करीब संपूर्ण दुकानें हैं
कंप्लीट हो? हाँ कंप्लीट के बिल्कुल नज़दीक ही है। अब यह है कि प्रशासन और साधन मिल के जल्दी हो जाए तो और अच्छा है, अपने कम से कम ये उद्घाटन हो जाए और आदमी सब अपनी अपनी दुकानों में व्यवस्थित हो जाए और अच्छी बात। देखिए कब तक कब सब पूरी दुकानें होती हैं। क्या नाम है आपका? जी पूरा दत्त लखपति कछवाहा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।